ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। वक्त हुआ है 12:10 और पूरे 40 सेकंड, और ये वक्त है कार्यक्रम प्रेरणा का। और कार्यक्रम प्रेरणा के अंतर्गत हमारा जो आज का व्यक्तित्व है वो होंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खान। जी हाँ, भारत रत्न से सम्मानित प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान जी के बारे में फिलहाल हम बात करेंगे। और आपको बता दें कि भारतीय शहनाई वादक बिस्मिल्ला खान जी का आज जन्म दिवस है। उनका जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार में हुआ था। बिस्मिल्ला खान जी का असली नाम कमरुद्दीन खान था, उन्हें उस्ताद के नाम से पुकारा जाता था। उनके परिवार का संगीत से एक गहरा संबंध था। उनके पिता कोर्ट म्यूजिशियन थे, जो कि कोर्ट ऑफ महाराजा केशव प्रसाद डुमराव में काम किया करते थे। और उस्ताद जी के परिवार में ज्यादातर सदस्य जो थे वो शहनाई वादक ही थे। वे एक संगीतकार थे जिन्हें शहनाई को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। तो फिलहाल हम सुनते हैं फिल्म गूंज उठी शहनाई से ये खूबसूरत गीत, और हमारी जो बातचीत है वो जारी रहेगी। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं रुचिका आपके साथ।
आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। और फिलहाल हम बात कर रहे हैं भारतीय शहनाई वादक बिस्मिल्ला खान जी की, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 21 मार्च को 1916 को बिहार में हुआ था। बिस्मिल्ला खान जी का असली नाम कमरुद्दीन खान था और उन्हें उस्ताद के नाम से पुकारा जाता था। उनके परिवार का संगीत से एक बहुत गहरा संबंध था और उनके परिवार में ज्यादातर सदस्य जो थे वो शहनाई वादक ही थे। वे एक संगीतकार थे जिन्हें शहनाई को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। वे इतनी शिद्दत के साथ शहनाई को बजाते थे कि वे भारत के शास्त्रीय संगीत कलाकार बन गए थे। खान एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते थे, हालांकि उसके बाद भी उन्होंने तमाम हिंदू और मुस्लिम सेरेमनी में परफॉर्म किया था, जिसके चलते उन्हें एक धार्मिक प्रतीक माना जाता था। उस्ताद 6 साल की उम्र में ही अपने मामा अली बख्श के साथ शहनाई की शिक्षा हासिल करने के लिए वाराणसी चले गए थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत स्टेज शो से की थी। साल 1937 में उस्ताद को पहला ब्रेक ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, जो उस वक्त कलकत्ता में था, उस दौरान उन्हें मिला था और इस परफॉर्मेंस के बाद उन्हें खूब सराहा गया और काफ़ी प्रशंसा भी मिली थी। और इसके बाद उन्होंने कई देशों में भी परफॉर्म किया था। वे अफगानिस्तान, यूएसए, कनाडा, बांग्लादेश, ईरान, इराक और वेस्ट अफ्रीका जैसे देशों में शहनाई वादन के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी शहनाई के धुन से लोगों को दीवाना बना दिया था। अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने कई प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लिया था, जिनमें मॉन्ट्रियल विश्व प्रदर्शनी, कान कला महोत्सव और ओसाका व्यापार मेला शामिल हैं। जब साज है ये शहनाई, दो ही सुर का ये खेल सारा है। क्या जब साज है ये शहनाई, दो ही सुर का ये खेल सारा है। एक सुर जिंदगी का साहिल है, दूसरा मौत का किनारा है। एक सुर जिंदगी का साहिल है, दूसरा मौत का किनारा है। क्या जब साज है ये शहनाई, दो ही सुर का ये खेल सारा है। ये बजे तो हयात की महफिल, पूरे जो बन पे आके जम जाए। जिंदगी एक ख्वाब हो जाए, ये अगर बजते बजते थम जाए। ये कभी चांद चांद है और कभी सुबह का सितारा है। ये कभी चांद चांदनी का है और कभी सुबह का सितारा है। क्या जब साज है ये शहनाई, दो ही सुर का ये खेल सारा है। आहा और वाह का ये संगम है, सोज और साज की
जवानी है, आहा और वाह का ये संगम है, सोज और साज की जवानी है अगर ये शबाब का किस्सा, एक बेवा की भी कहानी है, कह कहो का ही आबशार नहीं, आंसुओं का भी एक धारा है, कह कहो का ही आबशार नहीं, आंसुओं का भी एक धारा है, क्या जब साज है ये शहनाई, दो ही सुर का ये खेल सारा है। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, शहनाई वादक बिस्मिल्ला खान जी की फिलहाल हम बात कर रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड चैनल के जरिए। और आपको हम फिलहाल बता दें कि वे इतनी शिद्दत के साथ शहनाई को बजाते थे कि जो सुनता था वो मंत्रमुग्ध हो जाता था। साल 1947 को 15 अगस्त के दिन, जिस समय भारत देश अंग्रेजों की कैद से आज़ाद हुआ था, उस वक्त लाल किले पर उस्ताद जी ने परफॉर्म किया था। अपनी शहनाई की धुन से वे अच्छे अच्छों को दीवाना बना देते थे। बताया जाता है कि वे शहनाई के रियाज के लिए गंगा के घाट पर जाया करते थे और वहां पर बैठकर गंगा की लहरों के साथ तान से तान मिलाकर शहनाई बजाते थे। शहनाइयाँ दिल में बजी
ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। अपनी शहनाई से सबको मंत्रमुग्ध करने वाले बिस्मिल्ला खान साहब भारत में दिए जाने वाले लगभग सभी बड़े पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं। 2001 में उन्हें देश के सर्वोत्तम पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें 1980 में पद्म विभूषण, 1968 में पद्म भूषण, 1961 में पद्मश्री और 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। 1930 में ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार भी मिला। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने अपने यहां के सर्वोच्च संगीत पुरस्कार तानसेन की पदवी देकर भी उन्हें सम्मानित किया था। दुनिया में शहनाई को नई पहचान देने वाले बिस्मिल्ला खान साहब को यूं तो गए हुए 17 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उनके शहनाई की गूंज आज भी हमारे कानों को सुनाई देती है। बाज रही शहनाई।